तीसरे रीच के दौरान 1 लाख से अधिक लोगों को एकाग्रता शिविरों में बंदी बना लिया गया था। उन्हें राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन श्रमिकों द्वारा निर्वासित और जेल में डाल दिया गया था। एक लंबे समय से पहले वयस्क फिडलर के नेतृत्व वाली पार्टी और एक असामान्य घर का एक बच्चा जिसका नाम नाली था, वह अपनी माँ के साथ हर रात एक हवेली में रहता था। उसकी माँ ने उसे चिमनी के पीछे अच्छी तरह से मारा या इसका मतलब है कि पिशाच पिता ने एक रात माँ का फायदा उठाया जब उसके पिता ने माँ के खून को पीते हुए नियंत्रण खो दिया या उसके बच्चे की मृत्यु के बारे में अनभिज्ञ होने के कारण उसके बच्चे ने उसे अपनी माँ को खा जाते देखा। विश्व युद्ध के दौरान कई साल बाद उसे एक राक्षस कहने के लिए अग्रणी दो अन्य राक्षस नाम के वयस्क फिडलर को रेलवे ट्रेनों के आसपास राष्ट्रीय समाजवादी साहब दिखाई दिए जो लोगों को एकाग्रता शिविरों में ले जाते हैं जहां वे इस बीच नासा के नए समूह की अध्यक्षता में एक फ्रेंच प्रतिरोध समूह को ढूंढ सकते हैं और दुरुपयोग कर सकते हैं या राष्ट्रीय समाजवादी के बीच युद्ध के अभिशाप के भीतर एक छोटे से युद्ध में उनकी आपूर्ति पर बमबारी कर सकते हैं। समाजवादियों और प्रतिरोध में अचानक बारिश होती है। अब अपील की जा रही है कि युवती एक चमड़े की ट्रेंच कोट आ रही थी और राष्ट्रीय समाजवादियों को उसके असाधारण तलवार कौशल के साथ एक पल में मार दिया। जब अधिकांश पुरुष रिंग में मारे जाते हैं, कोनो कमांडर ब्रांड और उसे इस बारे में चर्चा करते हुए व्यक्त करते हैं कि वे एक सैनिक को बारिश के लिए अनजाने में क्या करते हैं। उसकी पीठ पर एक बंदूक की ओर इशारा कर रहा है जब सैनिक ने अपनी बंदूक से गोली के घाव की बारिश और छींटे दागे कमांड के दरवाजों में उसका खून बारिश का सामना करता है और सैनिक की हत्या कर देता है और एक गोल बारिश पर गोलियां बरसाती जाती हैं। इसलिए वह कमांडर के खून पर भी फीड करता है जो जल्द ही नथनेल से मिलता है। कौन जानता है कि वह एक आधा मानव आधा पिशाच हाइब्रिड है जो प्रतिरोध समूह मुख्य रूप से रेलवे को एक साथ हथियारों और गोला बारूद के साथ जोड़ता है। हालांकि यह कवर करने के बाद कि ट्रेनों में बारिश के बजाय लोग शामिल थे और प्रतिरोध ने टीम बनाने और राष्ट्रीय समाजवादियों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया ताकि राष्ट्रीय समाजवादियों के एक नए बैच के आने से पहले लोग बच सकें। एक ही समय में कमांडर ब्रेंडा सप्ताहांत पर पहुंचे एक धातु के खंभे से काट लिया गया और उसके ठिकाने के नथनेल ने बारिश के लिए स्वर के खून को पकाया। यह देखकर कि बारिश बेसब्री से भूख से हो रही है, नथनेल मूर को हल्का करने के लिए चुटकुले बताता है, लेकिन कोई भी नहीं अपने चुटकुलों में दिलचस्पी लेता है कि यहां तक कि अपने दोस्त को जहाज पर उनके समुद्री सवालों पर चलता है। यह देखते हुए कि वे केवल ट्रेनों को लक्षित करके युद्ध को रोकने में मदद नहीं कर सकते हैं, युद्ध के प्रमुख लेकिन नथनेल तीसरे रीच के मुख्यालय डॉक्टर वुल्फगैंग मैंगलिया किले पिशाच में सुरक्षित पक्ष पर रहना पसंद करते हैं ताकि वे हिटलर और तीसरे को अमर बनाने की उम्मीद कर सके। रीच लेफ्टिनेंट कैस्पर येजर जो प्रयोग से चर्चा करता है, वह अपनी गंदी प्रयोगशाला में प्रवेश करता है। वह बाहर बात करने पर जोर देता है क्योंकि वह खूनी पिशाच को लेफ्टिनेंट नहीं देख सकता है। फिर डॉक्टर को सूचित करता है कि एक पिशाच कमांडर ब्रांड पर हमला किया, जो अगले दिन डॉक्टर की दिलचस्पी को कम करता है। लेफ्टिनेंट की मांग और कमांडर डॉ तरों के साथ क्या हुआ इसकी व्याख्या और उन्हें बताता है कि शाखा जल्द ही भेज दी जाएगी क्योंकि वह अब पिशाच वह समझा नहीं सकता है कि वास्तव में कमांडर के साथ क्या हुआ था। लेकिन डॉक्टर निराश लगता है क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ विशेष नहीं मिलता है कि लेफ्टिनेंट ने उसे कैसे सूचित किया कि हमला हुआ। दिन के उजाले में डॉक्टर को दिलचस्पी लेने के बाद से पिशाचों को सूरज से कमजोर माना जाता है क्योंकि वे कमांडर के कार्यालय में लौटते हैं। वे आश्चर्यचकित होते हैं कि वह कितना आक्रामक कमांडर बन गया है। लेफ्टिनेंट को मारता है और अपने लैब गाउन से डॉक्टर को डराता है और डॉक्टर को डराता है या उसकी मदद करने की पेशकश करता है और उसी समय बारिश के लिए ठीक हो जाता है। जब से हम वेश्यालय के लिए आते हैं, मालिश वह दरवाजे से दरवाजे तक बोलती है जैसे कि वह किसी नेता से छिप रही है क्योंकि एक महिला उसकी मालिश करती है। वह राष्ट्रीय समाजवादी सैनिक को महिलाओं में से एक की पिटाई करती है और जल्दी से रिंग में पहुंच जाती है, अपने बागे को पकड़ लेता है और कुछ का सामना करता है जो मुझे मारता है और उसकी कमर को कुचलता है। पीटा लड़की को बाहर लाता है। वेश्यालय के मालिक को जल्दी बंद करने के लिए मजबूर करने पर हस्ताक्षर करें, भले ही इससे राष्ट्रीय समाजवादियों को संदेह हो कि ऐसा कुछ हुआ है। जो मालिक इस बात की अवहेलना करता है और गुस्से में एक बार उसके लिए बाधा नहीं बन सकता है। व्यापार रियन बस इस पर उपहास और दूर चला जाता है क्योंकि बारिश छोड़ने के बारे में है और बिना सोचे समझे महिला बंद करो सर और पीटा महिला को बचाने के लिए उपहार के रूप में कुछ मालिश प्रदान करता है। अन्य महिलाओं के वेश्यालय छोड़ने से पहले दरवाजे के पीछे शरारती छुट्टी मुस्कुराती है कि एक डॉक्टर के साथ एक समझौते पर बातचीत करने के लिए कमांडर ब्रांड कार्यालय के प्रमुख हैं, लेकिन वह जोर देती है उसकी खबर उस कीमत के लायक है जो उसे होश में है कि बारिश असाधारण है। जिस तरह से उसने वेश्यालय में सैनिक को हराया, बदले में उन्हें सूचित करने के लिए पाठक स्वेतलाना चलाना चाहते थे। वेश्यालय वह तब से काम करती है जब वह कार्यालय के अंदर वर्तमान मालिक का तिरस्कार करती है। कमांडर से बहुत कुछ मिलता है, वह उसे बारिश के बारे में सूचित करती है, लेकिन उसकी गर्दन काटने से पहले या उसके साथ ब्रांड फ्लर्ट
करता है वैश्यालय में वापस राष्ट्रीय समाजवादी सैनिक बारिश के लिए पहुँचे। उसने अपनी तलवार से सैनिकों को आसानी से मार डाला, लेकिन जब वह वैश्यालय के डेक में घुस गया तो वह उनमें से अधिक को देखकर हैरान रह गया। सेल्फ ग्रैंड के कमांडर ने उसे अपनी माँ के रूप में स्वीकार किया कि उसे एक विषाक्त चिंतित बारिश में बदल दिया गया था जो छत से भाग गया था। इस बारे में उलझन में था कि उसने उसे पिशाच के मैदान में कैसे बदल दिया, लेकिन वह इसे बंद कर देती है और कमांडर को भगाती नहीं है क्योंकि वह चाहती है या जीवित डॉक्टर आदमी है या फिर शूटिंग की घटनाओं पर पहुंचती है और उस दिन आगे के अध्ययन नेता के लिए खून इकट्ठा करती है। डॉक्टर अपने शोध पर पिंजरे के अंदर स्वेतलाना का अवलोकन करके काम करना जारी रखता है। वह अपने हाथों पर पवित्र पानी फेंकता है और नोट करता है कि स्वेतलाना को कमांडर की प्रतिरक्षा का एक कमजोर संस्करण विरासत में मिला है। स्वेतलाना डॉक्टर को बहकाता है और पिंजरे के अंदर जाता है जहाँ वह उस पर हमला करता है। डॉक्टर ने उस पर पवित्र जल को छोड़ दिया जिससे वह पिशाचों के बारे में पर्याप्त जानकारी के साथ वापस लौट आया। डॉक्टर उसे छुरा मारने के लिए एक स्टेक का उपयोग करता है जो राख में बदल जाता है। चिंतित बारिश नथनेल के साथ पुनर्मिलन करता है और उससे ग्रेनेड और डायनामाइट का अनुरोध करता है, लेकिन वह अंगूठी को मना कर देता है कि उसका खून मिला है। कमांडर के खून में उसे एक पिशाच में बदल दिया जाता है। वह अकेले राष्ट्रीय समाजवादियों का सामना करने पर जोर देती है क्योंकि वह कमांडर ब्रांड को मजबूत बनाने के लिए जिम्मेदार महसूस करती है, लेकिन नथनेल उसे शांत करने और काम करने के लिए मना लेता है। एक टीम के रूप में विश्वास के रूप में शासन करने के बजाय यह केवल टीम को मरने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन नासा नील जोर देकर कहते हैं कि यह एक जोखिम है जो उन्हें जहाजों को लेना है और नथनेल को सूचित करता है कि मैगडा एक स्थानीय पंप मैगडा मार्किविस के अंदर अपनी योजनाओं के लिए तैयार है। एक उच्च रैंकिंग सैनिक के साथ मिलता है और सहायक निरीक्षक को बंद करने के लिए लगातार रहता है और इसके नीचे कोई हथियार नहीं मिलता है। उच्च रैंकिंग सैनिक अपनी गोद में बैठकर और उससे बात करते हुए हमें लुभाते हुए कहते हैं कि तीन ड्रिंक टेबल नीचे बंदूक पकड़ लेते हैं और तुरंत गोली मार देते हैं और सैनिकों को बारिश होती है। बाकी प्रतिरोध समूह हथेली में प्रवेश करते हैं जैसा कि योजना बनाई गई है कि रिकॉर्ड को क्रैक करने के लिए सहायक थोड़ी देर के लिए संचार करने के लिए उपयोग कर रहे हैं। बाद में पंप से बाहर बारिश सिर विश्वास करते हैं कि सब कुछ है नियंत्रण में है, लेकिन जब वह एक गली में घूमता है तो पिशाच हमलावर को तलवारों से मारता है जैसे अभी भी बारिश होती है। उस रात बारिश ने हिटलर का सामना करने के बारे में एक बुरा सपना देखा था। पिशाच उसके खून के हिटलर की तुलना में आपके खून के लिए अधिक पाने के लिए करता है, वह अपने सपनों में प्रकट होने के बाद चिल्लाती है। उसी समय कमांडर चोकर के बाद से उसे पिशाच ब्रांड में बदलने के लिए लेफ्टिनेंट का घर पिशाचों की एक सेना बना रहा है और उनका मानना है कि लेफ्टिनेंट की ट्रैकिंग क्षमता लेफ्टिनेंट के अपने उद्देश्यों को सीखने वाली संपत्ति होगी। एक बंदूक और प्रतिरोध लेता है, हालांकि कमांडर उसे रोकता है और लेफ्टिनेंट को अपनी गर्दन काटता है। धीरे धीरे एक वैम्प बनने के लक्षण दिखाता है। बिना किसी समय के कमांडर के साथ आग लग गई। लेफ्टिनेंट के दोस्तों ने उसे नीचे ट्रैक करने के लिए खून बहाया। दूसरी ओर नथनेल ने पाया कि वह अचानक लेफ्टिनेंट येजर के पास आता है और उसके लिए आग की लपटें उठती हैं। संक्रमण हरे रंग में नथनेल की ओर लेफ्टिनेंट प्रमुखों की प्रतिक्रिया में उस पर हमला किया, लेकिन बारिश ने उसे पकड़ लिया और उन्हें फेंक दिया। इस अवसर पर उसे अपने सिर पर मारने के लिए लेफ्टिनेंट बारिश और कोनों को घायल कर दिया। घायल पिशाच ने उस ब्रांड को मैगडा के रूप में प्रकट किया और उसे यह जानकर लिन में लाने की योजना बनाई कि उसका सहयोगी खतरे में है। नथनेल पागलपन में फट गया। उसका मानना है कि वे अब हार रहे हैं कि कमांडर के पास है मैगडा रीनवेंट सहित सक्षम लोगों की एक सेना। लेफ्टिनेंट और उनके कमजोर स्थान को राख में बदल देती है। इस बीच कमांडर मैगडा बंधक रखता है। वह चाहता है कि वह उसकी सेना का हिस्सा बने। वह सबसे उत्कृष्ट कोर ब्रेकर है। इस प्रकार वह अपनी गर्दन को वैसे ही काटता है जैसे उसने लेफ्टिनेंट के लिए किया था कि अब बारिश होती है और शेष प्रतिरोध को राष्ट्रीय या उससे पहले तैयार किया जाता है। समाजवादी उसे बर्लिन में लाते हैं क्योंकि बारिश आपकी तलवारों को तेज करती है। वह इस बात पर विचार करती है कि पिशाच धीरे धीरे दुनिया को कैसे जीतता है। इस चिंता के रूप में अधिक से अधिक निर्दोष लोगों को अगले दिन खतरे में डाल दिया जाता है। प्रतिरोध ट्रेन स्टेशन पर बर्लिन जा रहा है, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए कोई ट्रेन नहीं है। वे जल्दी से इमारत में उतरते हैं और जब जहाज अब पास आता है तो इसके बजाय मैगडा को बांध दिया जाता है। उसका मगदा पहले से ही एक पिशाच में बदल गया है जो बारिश को रोकने के लिए मजबूर करता है ताकि प्रतिरोध आगे बढ़ सके, क्योंकि उन्हें संदेह है कि अचानक पिशाचों की एक सेना उभरती है और उन पर हमला करती है। दुर्भाग्य से कमांडर के शेष प्रतिरोध की तुलना में उनमें से बहुत से लोग पीठ की बारिश को रोकते हैं और उन सभी को गोली मारते हैं जो राष्ट्रीय सामाजिक सूची मस्तिष्क को बांधते हैं। लेकिन कमांडर के पहले नथानियल के रूप में वह अपनी सेना के साथ साथ कमांडरों के मुख्यालय में कुछ उपयोगी पाता है। वह नथानियल लेता है क्योंकि एक कैदी अच्छी तरह से बारिश करता है। डॉक्टर को उल्टा लटका दिया जाता है यह विश्वास करते हुए कि उसका सारा खून निकल सकता है। हर कोई मजबूत कमांडर ब्रैंडन दिखाई देता है और उसके खून को खिलाने से पहले आपके सिर पर हमला करता है और डॉक्टर से उसे यात्रा के लिए चुनने के लिए कहता है, क्योंकि वे अब उसे अपने नेता से मिलवाएंगे। जिस दिन वे ट्रक के माध्यम से बारिश और नथनेल का परिवहन करते हैं, उनके रास्ते में बर्लिन के रास्ते में जहाज से बचने के लिए गोलीबारी से बच जाता है। उसने कुछ लोगों को बचाव नथानियल की मदद करने और प्लांट डेटोनेटर को निकालने के लिए बुलाया। बर्लिन को माना जाता है और
ट्रक के पास कुछ और नहीं है, एक नाली है जो बारिश के लिए अपनी भावनाओं को महसूस करने पर खून से सना होने के बाद बेहोश हो जाती है। लेकिन वह इस तरह की बारिश की कोशिश करता है ऊपर और उसका गला घोंटता है। जब उसे एहसास होता है कि यह नथनेल है तो वह रुक जाती है और बस कुछ जोश के साथ यह थोड़ी देर बाद प्यार करने की ओर जाता है। जब प्रतिरोध आपके विचार को मानता है, ट्रंक नतालिया प्रतिरोध का एक सदस्य है जिस पर डेटोनेटर नथानियल के विस्फोट को ट्रिगर करता है और ट्रक से बच जाता है और राष्ट्रीय समाजवादियों के खिलाफ प्रतिरोध लड़ाई में मदद करता है। इस बीच कमांडर पीता है रक अच्छी तरह से। डॉक्टर मैकेलर फ्लीस पैर पर बेडलिन को चलाने की उम्मीद करता है लेकिन नटालिया उसे प्रायोजित करता है और उसे तुरंत मारता है। जब कमांडर पोत नथनेल पर ध्यान केंद्रित करता है उसे कमांडर फेंक देता है। कुछ आसानी से रिंगों के रक्त का सेवन करने के बाद अधिक ताकत हासिल कर रहे हैं जिसका मतलब मजबूत होता है और कमांडर को अपने सिर को कुचलने के लिए धड़कता है क्योंकि उनकी जीत के बावजूद युद्ध अभी तक बारिश नथानियल पर नहीं है और प्रतिरोध सभी गोला बारूद इकट्ठा करते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है क्योंकि वे उस रात के साथ अंतिम लड़ाई के लिए खुद को तैयार करते हैं। जब वाहन अंतः बेर्लिन में आता है, जब ट्रक खुलता है, रेंज पकड़ने से कूदता है राष्ट्रीय समाजवादियों की सेना बंद